उत्तराखंड के उधम सिंह नगर, रुद्रपुर के शांतिपुरी, खामिया नंबर 4 के प्रधानपति नेत्र सिंह देवपा ने दस्तक टीवी से खास बातचीत की। अभियान के उपलक्ष्य में हमने खुद ही ग्रामवासियों ने मिलकर गांव में सफाई करवाई। बाकी जो उनके तरफ से एक स्वजल योजना चल रही है विकास भवन से, उसमें हमने अपनी फाइल बनवा के उसमें क्या बोलते हैं उसे, शौचालय और सोखते गड्ढे, डस्टबिन वगैरह और जो मैला ढोती है उसके लिए सब उसका प्रोग्राम बना के दे रखा है। तीसरे चरण में कुछ ग्राम सभाओं में आ गया है, हमारा तीसरे चरण में पड़ेगा, पड़ने ही वाला है, उससे बाकी कार्य विकास कार्य गांव के करवाए जाएंगे। अच्छा, इन 5 सालों में आपके कार्यकाल में किन किन चीज़ों का अनुभव हुआ, क्या कभी आपको कठिनाई महसूस हुई? ना, कठिनाई तो महसूस नहीं हुई कभी, थोड़ा बहुत गांव में आपस में झगड़ा वगैरह हो जाता था, उसको हम अपने स्तर से निपटा लिया करते थे और एकाध केस कभी थाने में गए थे, वहीं राजीनामा करवा के उनके दोनों की लिखित वो करवा के उनका समाधान कर लिया गया था। आगे आपके क्या विचार हैं राजनीति के संबंध में? आगे जनता कह रही है, हमारे गांव ग्रामवासी कह रहे हैं कि फिर से लड़ो, आपने अच्छा काम किया, आप स्वच्छ छवि के हैं और सादे सीधे साधे व्यक्ति हैं, तो आपको हम अच्छे मतों से फिर जिताएंगे, जैसे पिछली बार हमको लगभग 450 वोट से जीत हासिल हुई थी। जनता यदि आपको जिताकर फिर दोबारा इसी पद पे आपको जो सेवा करने का मौका देती है तो किन किन विशेष कार्यों पर आप विशेष ध्यान देंगे? मेरा तो स्पष्ट कहना है कि पहली बार जीते थे, ज़्यादा अनुभव भी नहीं था, धीरे धीरे सीख गए, अब हमें अनुभव ठीक हो गया है, तो आगे हम और निधियों से और बाकी राज्य वित्त और उनसे अच्छे से अच्छे परिणाम देने की कोशिश करेंगे। धन्यवाद। जो प्रधानमंत्री हैं, इन्होंने बहुत कम शब्दों में बहुत ही अच्छी अच्छी बातें हमको बताई है और बहुत बहुत धन्यवाद। दस्तक के लिए इनका बहुत अभिनंदन करता है। मैं कैमरामैन मनोज हल्दार के साथ विक्की कुमार मंडल, उत्तराखंड टीवी। दोस्तों, मैं जिला संवाददाता विक्की मंडल, आपका दस्तक टीवी में स्वागत है। और हमारे दस्तक टीवी के अंतर्गत जो एक कार्यक्रम चलाया जा रहा है कि 5 साल के कार्यकाल में ग्राम सभाओं में कितना विकास कार्य हुआ है, तो इसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए मैं लेके चलता हूँ आपको शांतिपुरी के खंभे नंबर 4 विकासखंड रुद्रपुर, जो उधम सिंह नगर में बसा हुआ है जिले में। और मेरे साथ मौजूद है प्रधानपति, बहुत ही सज्जन व्यक्ति हैं और जो है इन्होंने तहे दिल से बहुत काम किया, बहुत विकास कार्य किया है, श्री नेत्र सिंह देवपा जी। और मैं उनसे जानना चाहूँगा कि उन्होंने 5 साल के अपने कार्यकाल में कितने विकास कार्य करवाए। हमने अपने 5 साल के कार्यकाल में जो 14वां वित्त एवं राज्य वित्त आता है उससे 25 लगभग सीसी सड़कें बनवाई और 15 के आसपास सिंचाई हेतु नालियां बनवाई और वृद्धा पेंशन, विधवा पेंशन, विकलांग पेंशन में किसी पात्र व्यक्ति को छोड़ा नहीं और स्ट्रीट लाइटें लगवाई, सौर ऊर्जा लगवाए, सार्वजनिक स्थलों पर डस्टबिन वगैरह लगवाए एवं जो पात्र व्यक्ति थे जिनको आवास चाहिए तो हमारे यहाँ एक व्यक्ति मिला कुल, उसे आवास बनवाया और भूमिहीन थे 8 परिवार, 8 परिवार इनको पट्टे समेत आवास दिलवाए। आपके ग्राम सभा में जो नरेंद्र मोदी द्वारा चलाए गए एक परियोजना कहेंगे आप जिसको स्वच्छ भारत स्वस्थ भारत, तो उस जो है योजना के अंतर्गत क्या रहा यहाँ का ग्राम सफाई का विषय? उसमें भी कभी थोड़ा बहुत गांव में आपस में झगड़ा वगैरह हो जाता था, उसको हम अपने स्तर से निपटा लिया करते थे और एकाध केस कभी थाने में गए थे, वहीं राजीनामा करवा के उनके दोनों की लिखित वो करवा के उनका समाधान कर लिया गया था। आगे आपके क्या विचार हैं राजनीति के संबंध में? आगे जनता कह रही है, हमारे गांव ग्रामवासी कह रहे हैं कि फिर से लड़ो, आपने अच्छा काम किया, आप स्वच्छ छवि के हैं और सादे सीधे साधे व्यक्ति हैं, तो आपको हम अच्छे मतों से फिर जिताएंगे, जैसे पिछली बार हमको लगभग 450 वोट से जीत हासिल हुई थी। जनता यदि आपको जिताकर फिर दोबारा इसी पद पे आपको जो सेवा करने का मौका देती है तो किन किन विशेष कार्यों पर आप विशेष ध्यान देंगे?
मेरा तो स्पष्ट कहना है कि पहली बार जीते थे, ज्यादा अनुभव भी नहीं था, धीरे धीरे सीख गए, अब हमें अनुभव ठीक हो गया है, तो आगे हम और निधियों से और बाकी राज्य वित्त और उनसे अच्छे से अच्छे परिणाम देने की कोशिश करेंगे। धन्यवाद जो प्रधानमंत्री हैं, इन्होंने बहुत कम शब्दों में बहुत ही अच्छी अच्छी बातें हमको बताई है, और बहुत बहुत धन्यवाद दर्शक के लिए, इनका बहुत अभिनंदन करता है। मैं कैमरामैन मनोज हमदार के साथ विक्की कुमार मंडल, उत्तराखंड टीवी, दस्तक। उत्तराखंड से मनोज के साथ विक्की मंडल की रिपोर्ट।